अरे हमको तो मालूम है कि अपनी भोली भाली माँ को भी ये लड़का धोखा दे रहा है। उनकी माँ को भी नहीं मालूम हुआ होगा कि इतना बड़ा ये नटवर लाल है। बहुत बिहार से बहुत सारे मजदूर लोग बेतिया में आकर इनके ऑफिस में 30-30 हज़ार रुपया, 40-40 हज़ार रुपया डोनेट किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ डायरेक्ट कि क्या वो उन गरीबों का पैसा लौटाएंगे। मनीष कश्यप अगर बीजेपी के नेताओं के लिए वोट मांगने आया मेरे चंपारण में, तो चंपारण का लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसको बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन, पवित्र संगठन का जिला सह संयोजक बनवाया था, लेकिन इसके चाल चरित्र के चलते, इसके कार्यशैली के चलते पुनः इसको निकालने वाले हम ही लोग हैं संगठन से। एक प्रमाण दे दें कि कितने गौ को हम लोगों ने तस्करी कराया है और इन्होंने कितना गाय को बचाया है। मेरा नाम रमन गुप्ता हुआ जी और मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला मंत्री हूँ अपने जिले में, अच्छा पश्चिम चंपारण बजरंग दल जिले के। में जी। साथ ही जी साथ बेतिया नगर निगम के उप महापौर के प्रतिनिधि भी हूँ। मेरी अच्छा माँ उप महापौर है यहाँ। मनीष कश्यप, और आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है रमन जी? सच्चाई है कि पुरानी जान पहचान है मनीष जी से, मनीष जी तो मतलब और पहले दोस्त हुआ करते थे या ऐसी पहचान थी नॉर्मली? देखिए राष्ट्रवादी होने के नाते उनका कुछ मदद वगैरह किया था हमने, जो आपको ऑडियो में सुनने को मिलेगा जब वो श्रीनगर झंडा फहराने वगैरह गए थे। हाँ, उसके बाद से बात ऐसा है रमन जी की, बात तुमतम पे आ गई है, सवाल खड़ा जी, यहाँ हो रहा है कि हम अचानक बता तुमतम रहे हैं, पर औकात की बात आ गई है। हम बता रहे हैं। जब वो बेतिया से जब वो अपना राजनीति करियर शुरू किए, आज से हमको लग रहा है 7 साल पहले, आप जाइएगा तो अच्छा आज अच्छा के भाषा में अगर रमन जी कहा जाए अभी, तो हाँ अभी का है तो मनीष कश्यप पहले तो बेतिया से निर्दलीय ताल ठोके थे, फिर बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन कर देखिए, लिया, ठीक इनका है। इनका स्थिति ये है कि इसके पहले लोकसभा चुनाव लड़े थे ना, तो इन्होंने जो भरा जाता है नामांकन उसमें कुछ गलतियां कर दी थी। इनको हाइप लेने का एक शौक है और नामांकन में गलती भर दिया था और नामांकन कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। अच्छा और इस बार भी पूरा हवा बयार मनीष जो कश्यप तो अपने, कई चुनाव चुनाव लड़ भी चुके हैं ना। नहीं एक बार चनपटिया से लड़े थे, उसमें भी बहुत सारा हुआ था, 10 हज़ार के करीब में इनको वोट मिला था। और पुरानी जान पहचान है इसी अच्छा, तो नाते आप पे कई एलिगेशन लगा रहे हैं मनीष कश्यप, जी। आप तो बजरंग दल से आते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, अभी कई एक द मेडिकल को लेके दवा डुबल किट बेचने का एलिगेशन लगा रहे थे, उसके बाद अब गौ तस्करी का एलिगेशन लगा रहे थे, इसमें कितनी हाँ, सच्चाई तो है रमन जी? ये सभी निराधार बातें हैं, उनके पास किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं है। हम जो भी बात बता रहे हैं उसको प्रमाण के साथ उपलब्ध कराएंगे। अगर उनके पास प्रमाण है तो, अगर बेतिया में कौन क्या करता है, तो ये इतने बड़ा चैनल के मालिक हुआ करते हैं, काहे नहीं इस पे कभी मुहिम चला दिए हैं। दूसरी बात कि इनका जो अपना ये सिस्टम है, अपना जो धंधा ये बना रखे हैं, आज तक किसी भी इनके मुद्दे को उठा के देख लीजिए, एक बार उठाते हैं उसको फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्या डील हो जाता है कि दोबारा वो फॉलोअप नहीं करते हैं? अभी रिसेंटली हम लोग बात करें आयांश मुद्दे पे, आयांश पे पूरा बिहार, पूरा भारत इन्होंने एकदम से एक कर दिया था। बहुत लोग भावुकता में आकर, सेंटिमेंट में आकर करोड़ रुपए दान कर दिए। बेतिया से भी लोग गया है, हमारे जानकारी में लोग गया है और पैसा वहां पे जाकर उस लड़के को डोनेट किया है। हमारे यहाँ से भी गया है पैसा, लेकिन उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ, बच्चा जिया मरा, कल हमको मालूम चला आप ही लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से, वो बच्चा शायद इस दुनिया में नहीं है। क्या इनका नैतिकता नहीं था कि उस बच्चे के बारे में जाके कुछ बात न्यूज पे फ्लैश करे कि भाई हम लोग इसका जान नहीं बचा पाए? जी ये तो हो गई आयांश की बात। अभी आपने चुनाव की बात की है तो मैं बताऊं आपको कि चनपटिया जो चुनाव लड़े थे उसमें भी इन्होंने चंदा वाला कार्य किया था, और इस चुनाव में भी लोकसभा बेतिया चुनाव 2024 अभी जो चल रहा है, इसमें भी इन्होंने चंदा का सिस्टम लगाया था। हमारे जानकारी के अनुसार 11 रुपया इन्होंने मांगा था, लोग उससे ज्यादा ज्यादा भी दिए हैं। हमारे कुछ अपने कार्यकर्ता बंधु ये बताते हैं कि बहुत बिहार से बहुत सारे मजदूर लोग बेतिया में आकर इनके ऑफिस में 30-30 हज़ार रुपया, 40-40 हज़ार रुपया डोनेट किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ डायरेक्ट कि क्या वो उन गरीबों का पैसा लौटाएंगे? क्या अच्छा, वो ये जो चुनाव चंद लड़ने के लिए जो मांग रहे थे 11 11 रुपया चंदा जो,
जी, 11 रुपया का तो खैर बैनर है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग आएंगे, अभी ये प्रकरण जो चालू हुआ है ना, बहुत सारे लोग आएंगे सामने कि हमने इतना दिया है उतना दिया है। हमारे जानकारी में कुछ मजदूर बंधु आके बेतिया 30-30, 40 हजार रुपया दिए हैं इनके ऑफिस में। तो मैं बहुत ही शालीनता से पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई, क्या ये उन मजदूरों का पैसा ये लौटाएंगे क्या? आपके चैनल के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं उस मनीष कश्यप गरीब के बेटा से। ये और सवाल आप मनीष कश्यप से भी होगा। इस बिल्कुल ऑडियो की, बिल्कुल ऑडियो होगा की जो जो ऑडियो वायरल हुआ, ये ऑडियो वायरल जी। किसने किया है? मनीष कश्यप के थ्रू हुआ है या आपके थ्रू हुआ है? देखिए, हम बहुत ज्यादा इस समय विश्वास नहीं रखते हैं सोशल मीडिया का। रुपया खाने वाला लोग जो है और जो इसका कीड़ा है वही ये सब करता है। हाँ, कुछ एक जगहों पे मैंने पूरा ये रिकॉर्डिंग भेजा है, जब देखा कि काट छांट करके, यानी कि उसको कुछ पूरे ऑडियो ऑडियो को काट छांट करके चलाया जा रहा था, तो मैंने कुछ अपने मित्रों को पूरा ऑडियो भेजा है। अब उनके अच्छा, तरफ से कहीं कुछ वायरल हुआ हो तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, दो ऑडियो आया हम लोगों के पास, दो ऑडियो, जी जी एक 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 उनका फोन इन्होंने, आया है और एक आपने फोन किया जी है। नहीं, दोनों फोन उन्हीं का आया है। अच्छा, मैंने उसके दोनों। प्रमाण के रूप में उनका कॉल लॉग भी स्क्रीनशॉट करके भेजा था अपने मित्रों को। जी, जी, अभी आपका एक और सवाल आया था कि दवा का कुछ ये, हाँ, तो ये हाँ, दो नंबर दवा और मैं गौ उस पे तस्करी बता का रहा हूँ लेकर। हाँ जी, दोनों को मैं क्लियर करता हूँ। दवा का व्यवसाय है मेरा और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मेरी बात, मेरे पूरा रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा, तो उसमें उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, वो व्यक्ति जानता है कि मैंने उसके लिए क्या किया है। उसको बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन, पवित्र संगठन का जिला सह संयोजक बनवाया था, लेकिन इसके चाल चरित्र के चलते, इसके कार्यशैली के चलते पुनः इसको निकालने वाले हम ही लोग हैं संगठन से। हाँ, उसका उसका पूरा प्रोसीडिंग भी है अपने कार्यालय में, ठीक है ना। तो इनके पास कोई विषय नहीं रह गया था, कोई मुद्दा नहीं रह नहीं, गया बजरंग दल तो गौ रक्षक है। अगर गौ रक्षक भक्षक बन जाते हैं तो ये था समाज में एक निगेटिव तो पॉइंट जाएगा, ये समझ। निगेटिव पॉइंट जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके पास पूछिए, अगर इतने बड़े आ, आ, देश के बड़े पत्रकार कथित तौर पे बनते हैं, तो एक प्रमाण दे दें, एक प्रमाण दे दें कि कितने गौ को हम लोगों ने तस्करी कराया है और इन्होंने कितना गाय को बचाया है। तो ये कहने वाली बात नहीं है। पूरे जिले में, मेरे जिले में अगर पूछिएगा रमन गुप्ता के बारे में, आप तो खैर पटना से बोल रहे हैं, तो जी लोग बताएगा कि रमन गुप्ता किस प्रकार का गौरक्षक है। रात को 2-2 बजे रेस्क्यू हम लोग करते हैं, जी पुलिस नहीं, प्रशासन को अपने बजरंग मदद दल में तो, लेकर। हाँ, बजरंग दल तो वही तो बोल रहे, बजरंग दल तो गौ रक्षक है, अधिकांश जगह वीडियो ये वायरल चीज होता कहने है। वाली बात नहीं है, विषय से विषयांतर करने वाली बातें थी। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, ये लोग सोशल मीडिया का कमाई खाने वाले लोग हैं, किसी तरह व्यू चाहिए इनको, अपने अपने माँ बाप को जो व्यू पाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल करता, उनसे क्या बात करिएगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। मेरे पिताजी, सुन लीजिए आखिरी बात, आखिरी लाइन, मेरे पिताजी फौजी हैं, मेरी माता जी गृहिणी है, मेरी माता जी का आंसू गिर रहा है। एक पूरे भारत में इन्हीं के पिताजी फौजी हैं, इन्हीं के माता जी गृहिणी हैं। अरे, हमको तो मालूम है कि अपनी भोली भाली माँ को भी ये लड़का धोखा दे रहा है। उनकी माँ को भी नहीं मालूम हुआ होगा कि इतना बड़ा ये नटवर लाल है। इनके पिताजी को भी ये चीज मालूम नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा नटवर लाल है। भले ही नेम फेम हो गया तो मजबूरी है सबको। इसका भाई काम छोड़ के, अपना नौकरी छोड़ के इसके पक्ष में आ गया है, तो सब जान रहा है लोग, सोशल मीडिया से रुपया अंधाधुन बरस रहा है, लोग को आपके कहने बेवकूफ का मतलब बनाना कि अपने है, परिवार को भी बेवकूफ बना रहे हैं मनीष कश्यप? एकदम बना रहा है पूरे परिवार को, पूरे बिहार को, पूरे चंपारण को और पूरे इंडिया लेवल को लोगों को बेवकूफ बनाने का प्लान है। उसके भाषा की शैली आप आप तो देखिए, बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो बीजेपी ज्वाइन करनी है तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो बेतिया में जो आप तो बीजेपी की ज्वाइन कर लिए हैं, तो बेतिया में तो बीजेपी के वोट मांगेंगे? पहले निर्दलीय ताल ठोक रहे थे। अच्छा तो मांगे ना, मांगे, उनके मांगने से कितना वोट मिल जाता है हम लोग भी देखेंगे। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज बोलूंगा, यहाँ के बीजेपी के नेताओं को और प्रदेश स्तर के बीजेपी के नेताओं को, ये एकदम स्पष्ट संदेश है कि मनीष कश्यप अगर बीजेपी के नेताओं के लिए वोट मांगने आया मेरे चंपारण में, तो चंपारण का लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मनीष कश्यप के चाहने वाले फिर खफा हो गए हैं क्या बीजेपी में जाने से? देखिए, चाहने वालों के साथ विश्वासघात होगा जब जब
हनुमान के रूप में कालनेमी आ जाएगा तो निश्चित ही राम भक्त रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा,